हाय गाइस, दिस इज़ मोबी। और ये जो वीडियो है, ये एक पोयम है हमारे आपके बारे में, सबके बारे में जो घरों में हैं, साथ ही उनके बारे में भी जो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बकायदा। तो शुरू करते हैं, पहले अपनी बात करते हैं कि वो वक्त जो ख्वाहिश था, वो वक्त जो ख्वाहिश था आज हकीकत लग रहा है, वो वक्त जो ख्वाहिश था आज हकीकत लग रहा है। देखो ना बेचारे मंडे को, वो मंडे बेचारा भी अब संडे लग रहा है। और कुदरत को देखा क्या खूब रंग बदला है, कुदरत को देखा क्या खूब रंग बदला है, परिंदों को आजाद करके इंसानों को कैद कर रखा है। अब बिग बॉस भी कलर्स की जगह घरों में चल रहा है, अंडे बनाने से लेके घर की साफ सफाई सभी काम एक टास्क तो लग रहा है। अब वो पैट्रियार्की सिस्टम वाले चाचा खूब योगदान दे रहे हैं, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस का आदान प्रदान सुबह और शाम घरों में कर रहे हैं। वहीं मनोरंजन का सहारा, आहा, नेटफ्लिक्स और अमेजोन हमारा, आहा, वो भी कमाल कर रहे हैं, पर मोदी जी से कम, क्योंकि मोदी जी शाम में लाइव आके धमाल कर रहे हैं। और देखा जाए तो नेटफ्लिक्स सीजन 4 मनी हाइस्ट भाई साहब ठीक ही ठाक है, लेकिन मोदी जी का कैंडल लाइट एपिसोड भाई साहब वो बहुत खतरनाक है। अब देखा जाए तो वो लोग जो चैलेंजेस से घबराते थे, वो भी खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं इंस्टा पे, और वही लोग जो बेचारे खाली हैं उन चैलेंजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई साहब, अगर ज़माना बदला है ना, तो मैंने वो ज़माना बदलते देखा है, कसम ऊपर वाली की, मैंने सिगरेट से बिलकते लोगों को कुटते देखा है। पर लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सब चीज़ों के बीच में कुछ लोग सोशल मीडिया पे हेल्प ह्यूमैनिटी की मुहिम भी चला रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि उनमें से ही कुछ लोग अपने घरों को सुपरमार्केट बना रहे हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात यह है कि सलाम करने वाले अब नमस्ते कर रहे हैं, और हम सब लोग मिलके लड़ेंगे, ये नारे भी लोग दूर खड़े हो के दे रहे हैं। तो ये बात तो थी उनकी। अब बात करते हैं उनकी जो हमारे लिए डे और नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, कि क्या कभी अपनी माँ से फरियाद करते हो, क्या कभी अपनी माँ से फरियाद करते हो, क्या कभी उस माँ को याद करते हो, क्या कभी अपनी माँ से फरियाद करते हो, क्या कभी उस माँ को याद करते हो, वो माँ जिसका एक सहारा है, वो सड़क पे खड़ा ड्यूटी निभा रहा है, वो एक मासूम सा खेलता बच्चा भी है और राह देखती बीवी भी, जिनका कल का मसीहा है वो और आज जीने की वजह भी, तुम तक हर तरीके से पहुंचाया गया था कि क्या करना है और क्या नहीं, तुम्हें बताया गया था, पर तुमने कुछ सुना और कुछ सुन के अनसुना किया, जिसकी वजह से आज डॉक्टर को बुलाया गया था, और वो भी जान तुम्हारी है पर बचाने वो आया है, छोड़ के अपनी एक नन्ही सी जान वो घर से चला आया है, जानता है कि तुम्हें छू के वो फंस भी सकता है, पर फिर भी बिना भूले सब कुछ वो पूरी शिद्दत से लड़ता है, सोच के कि ये केस भी सिमट जाएगा, अस्पतालों में मरीज तो होंगे पर कोरोना निपट जाएगा। तो उनकी इस खिदमत को उनकी मजबूरी या उनका पेशा ना समझना, अब दुनिया में फरिश्ते तो है नहीं, तुम उनको फरिश्ते ही समझना। अब ये तीसरी चीज़ जो है, ये एक बात है छोटी सी जो मैं खुद से बोलना चाहता हूँ, कि जो दुश्मन का चेहरा है ना, वो बदल चुका है, दुश्मन का जो चेहरा है वो बदल चुका है, पहले होते थे मुल्क पर अब एक वायरस बन चुका है। अब चूंकि नया दुश्मन है तो मोहरा भी तो नया लाना होगा, अरे फौज को पीछे रख के अब खुद आगे आना होगा, और दूर 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 रह के भी हम करीब रह सकते हैं, और घर पे बैठे बैठे ही हम सिपाही बन सकते हैं। तो जाओ, जो घर सूना था तुम्हारे बिना, उस घर को आबाद करना, कुछ सुनना कुछ सुनाना, हो सके तो अपने घर में हाथ बटाना, ये वक्त है, ये भी बीत ही जाएगा,
पर इस वक्त को तुम यादगार बनाना, फिर जब कभी निकलेगी बात कोरोना की तो तुम भी अपना एक किस्सा सुनाना। बहुत शुक्रिया।